अशरफ को दोबारा प्रयागराज लाने के लिए बरेली पहुंची प्रयागराज की पुलिस, सीजीएम कोर्ट में कल होगी पेशी। उमेश पाल अपहरण केस में बनेगा रिमांड। आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ को बरेली जेल से प्रयागराज लाए जाने के पहले डीएम प्रयागराज ने देर शाम नैनी सेंट्रल जेल पर छापा मारा। पुलिस के आला अधिकारियों के साथ की गई छापेमारी में डीएम ने कई बैराकों में जाकर गहन जांच पड़ताल की और कैदियों से भी डीएम ने बातचीत की। डीएम ने जेल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को भी देखा। जेल का निरीक्षण करने के बाद बाहर निकले डीएम संजय खत्री के मुताबिक कैदियों से उन्होंने भोजन और अन्य व्यवस्थाओं के बारे में पूछताछ की। इसके साथ ही जेल में मिल रही कैदियों को सुविधाओं के बारे में भी जानकारी हासिल की। उन्होंने कहा कि किसी कैदी ने जेल में मिल रही सुविधाओं को लेकर कोई शिकायत नहीं दर्ज कराई है। डीएम के मुताबिक जेल प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि कैदियों को अच्छा भोजन मुहैया कराया जाए। डीएम के मुताबिक कुछ कैदियों के फोन नंबर वेरिफिकेशन ना होने की बात सामने आई थी, जिसको लेकर वरिष्ठ जेल अधीक्षक को निर्देश भी दिया गया है कि फोन वेरिफिकेशन करा ले ताकि जेल में बंद कैदी अपने परिजनों से बातचीत कर सके। कुल यहाँ पर 4000 कैदी हैं और हम लोगों ने बहुत सारी बैरक में जाके यहाँ के जितने कैदी हैं उनसे बात की और कैदियों से जानकारी प्राप्त किया कि उनका भोजन कैसा है, लाइट पानी बिजली की क्या व्यवस्था है। तो यहाँ की सुविधाओं के बारे में किसी भी कैदी के द्वारा कोई शिकायत नहीं की गई है। अब भोजन के लिए हम लोगों ने ज़रूर कहा है कि भोजन रोटी वगैरह का अच्छे से पकाएं, दाल चावल अच्छी क्वालिटी का दें और इसके अलावा एक आध जगह से जो फोन नंबर के वेरिफिकेशन का वो प्रॉब्लम आए तो हमने इनको बताया है जो जेल अधीक्षक है कि वेरिफिकेशन जल्दी करा के जो कैदी है वो अपने घर वालों से बात करना चाहते हैं तो उसको सुनिश्चित करा। बाकी चीज़ें गौरतलब है कि नैनी सेंट्रल जेल की क्षमता 2060 कैदियों को रखे जाने की है, लेकिन नैनी सेंट्रल जेल में क्षमता से अधिक करीब 4000 कैदी बंद हैं। आपको बता दें कि अशरफ के बाद अब कभी भी माफिया अतीक अहमद को भी साबरमती जेल से दोबारा प्रयागराज लाया जा सकता है। अतीक अहमद और अशरफ दोनों ही उमेश पाल मर्डर केस में नामजद आरोपी हैं। अतीक और अशरफ को प्रयागराज लाए जाने के बावजूद उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस द्वारा रिमांड नहीं बनवाए जाने पर सवाल उठाए जा रहे थे। को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।